कल हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक टाइप बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन के बारे में पढ़ाया था। अब हम इसके और टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सेकेंड टाइप है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटेगा और हर फ्रेगमेंट से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इस तरह के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका बिल्कुल सिंपल बॉडी डिज़ाइन हो, वो इस तरह का रिप्रोडक्शन का मेथड अडॉप्ट करते हैं। इसमें स्पायरोगायरा का एग्जांपल आता है। तो स्पायरोगायरा में क्या होता है कि ये एक स्पायरोगायरा का फ्रेगमेंट है, तो किसी वजह से ये क्या हुआ हो गया कि ब्रेक हो गया, मान लो थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो हर पार्ट से क्या बनेगा, इंडिविजुअल स्पायरोगायरा का फिलामेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए एक एक्टिविटी भी दी हुई है कि इसके लिए हमें क्या करना है, किसी लेक या पॉन्ड से कुछ वाटर को कलेक्ट कर लेंगे जिसमें कि ग्रीन कलर के फिलामेंट्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हों, तो उनमें से हम कुछ फिलामेंट्स को स्लाइड्स पर रखेंगे, उस पर ग्लिसरीन डालेंगे और कवर स्लिप से ढक के उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो तब हमें इस तरह का स्पायरोगायरा का फिलामेंट जो है वो दिखाई देगा। अब ये तो बात हो गई इस तरह के ऑर्गेनिज्म की जिनका बॉडी डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, पूरी बॉडी में कहीं पर कोई भी कुछ चेंज नहीं है, पूरी की पूरी बॉडी इसमें कैसी दिख रही है, एक जैसी दिख रही है। लेकिन सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इस मेथड को अडॉप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें इस तरह का बॉडी डिज़ाइन नहीं है कि सिंपल कलेक्शन हो गया सेल्स का, उनमें क्या है, उन सेल्स की हेल्प से टिश्यूज़ बन रहे हैं या ऑर्गन्स बन रहे हैं, तो और वो ऑर्गन्स उनके किसी उनकी बॉडी में डेफिनेट प्लेस पर प्रेजेंट है, उनकी डेफिनेट पोजिशन है। तो अगर ऐसा केस होगा तो तब ये जो डिवीज़न का ये जो मेथड है, सेल डिवीज़न का जो मेथड है, उसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। तब वो क्या करेंगे, कुछ और कॉम्प्लेक्स मेथड हैं जो रिप्रोडक्शन के, तब वो इस तरह के मेथड को अडॉप्ट करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं और वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, मींस क्या कि उनके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन हो चुका है, एक जनरल पैटर्न है उनकी बॉडी में। तो वो क्या करेंगे, उनकी बॉडी की कुछ स्पेशल सेल्स ही क्या कर सकती हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकती हैं, ठीक है। तो अब फ्रेगमेंटेशन किस तरह का प्रोसेस हो गया, फ्रेगमेंटेशन ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी, जिसमें हमने एग्जांपल किसका लिया, स्पायरोगायरा का, अपने आप जब ये मैच्योर हो गया इसका फिलामेंट, तो ये अपने आप कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया और हर पार्ट ने डेवलप होके क्या बना लिया, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लिया। तो ये था फ्रेगमेंटेशन के बारे में। अब देखते हैं कि रीजनरेशन क्या है। देखो, बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या कर सकते हैं, अगर उनके बॉडी को किसी भी वजह से उनकी बॉडी कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करेंगे कि जो उनकी बॉडी का लॉस्ट पार्ट है उसको वो दोबारा से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अपने आप कट कर रहे हैं या ब्रेक पर कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म को कई पीसीज में, और फिर क्या होगा, जो कट पार्ट है, जैसे इस डायग्राम में आप देखो कि इसमें हमने क्या किया, फ्लैट वर्म प्लेनेरिया है, ठीक है, इसकी बॉडी को हमने कई पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में कट कर दिया और हर पार्ट ने क्या कर लिया कि रीग्रो कर लिया बाकी के बचे हुए पार्ट्स को। तो वैसे तो रीजनरेशन का मेथड ये कहा जाता है कि इसकी हेल्प से पूरा इंडिविजुअल डेवलप ना होके सिर्फ लॉस्ट पार्ट डेवलप होते हैं, लेकिन अब इसमें फर्स्ट केस में देखो इसमें क्या हुआ कि इसके लॉस्ट पार्ट डेवलप हुए तो न्यू इंडिविजुअल ही बन गया ना फिर इससे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारी जो सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, वो दूसरी सेल्स को डेवलप कर लेंगी। अब रीजनरेशन को कई केसेस में, जैसे कि कुछ एग्जांपल हम देते हैं कि मान लो एक रेप्टाइल का एग्जांपल लेते हैं इसमें कि कोई लीजर्ड है, तो लीजर्ड क्या करती है, जब कोई एनिमी उस पर अटैक करता है
तो वो क्या करती है कि जो अपना टेल वाला रीज़न है उसको छोड़ सकती है वो, ठीक है, और फिर क्या कर सकती है उसको बाद में इन फ्यूचर उस टेल को रीग्रो भी कर सकती है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, रीजेनरेशन का एग्जांपल हो गया, क्योंकि इस केस में लीजर्ड ने क्या किया, अपने टेल को जानबूझ के कट किया और फिर क्या किया उसको रीग्रो भी कर लिया, ठीक है। तो अब बेसिक डिफरेंस आ गया फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में, कि फ्रेगमेंटेशन में तो हमेशा क्या होगा कि बहुत सारे इंडिविजुअल डेवलप हो जाएंगे, लेकिन रीजनरेशन के केस में पूरा इंडिविजुअल डेवलप भी हो सकता है और सिर्फ लॉस्ट पार्ट भी डेवलप हो सकता है। जैसे ऑक्टोपस के केस में भी ऐसा देखा जाता है कि वो उसकी आर्म वगैरह अगर कोई एनिमी तोड़ देता है, खा जाता है, तो वो अपनी आर्म्स को डेवलप कर लेता है। इसी तरीके से कुछ फिशेस भी ऐसी होती हैं जो अपने लॉस्ट पार्ट को फिर से डेवलप कर सकती हैं। तो ये हो गया रीजनरेशन का। इससे नेक्स्ट पार्ट आता है बडिंग। अब बडिंग क्या है, देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, यहाँ पर आपको इस डायग्राम में दिखा भी रखा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के सर्टेन पार्ट्स पर रीजनरेटिव सेल्स पाई जाती हैं। अब इसके रीजनरेटिव सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इस जगह पर प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं कि उन रीजनरेटिव सेल्स का यूज़ करके एक बड जैसा स्ट्रक्चर ग्रो कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके ये बड ग्रो करती है, ठीक है, और फिर क्या होगी, ग्रो करके ये मैच्योर होगी। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखो कि ये मैच्योर हुई, और मैच्योर होने के बाद क्या हो जाएगा कि ये जो पार्ट है पूरा एक इंडिविजुअल बन चुका है, अब ये क्या करेगा, इससे डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से और एक इंडिविजुअल लाइफ को जो है ये बिता सकता है। तो बडिंग क्या हो गया, बडिंग ऐसा तरीका जिसमें कुछ रीजनरेटिव सेल्स का यूज़ करके बड जैसा स्ट्रक्चर ग्रो किया जाएगा, उसकी ग्रोथ होगी, उसकी डिटैचमेंट होगी, और फिर क्या होगा कि डिटैच होने के बाद वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो अब आपको फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और बडिंग के जो टॉपिक है उनको अच्छे से रीड करना है।